हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मोम इन किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप कपकेक की रेसिपी और एक ड्रिंक की रेसिपी लाई हूँ। दोनों ही रेसिपी डेढ़ डेढ़ मिनट के बनने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए कपकेक की रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 कप लिए हैं। तीनों कप आपके माइक्रोवेव सेफ होने चाहिए। माइक्रोवेव सेफ कप में ही बनाइएगा, या माइक्रो अगर कप नहीं है तो माइक्रोवेव सेफ बाउल में बनाइए। तीनों कप में मैंने 3-3 टेबल स्पून भर के मैंने मैदा डाला है। देखिए इसी टेबल स्पून से, जिस टेबल स्पून से आप मैदा डालिएगा, बाकी के मेजरमेंट भी उसी टेबल स्पून के होने चाहिए चीनी और ऑयल के लिए। और अब जब तीनों में मैंने 3-3 टेबल स्पून मैदा डाल दिया, तो अब मैं 3-3 टेबल स्पून इसमें कैस्टर शुगर डालूँगी। मैंने कैस्टर शुगर का प्रयोग किया है, आप घर की किसी भी चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। इसे भी मैं दोनों छोटे कप में 3-3 डालूँगी, बड़े कप में मैं 4 टेबल स्पून डालूँगी, क्योंकि इसमें हमें अभी ऑरेंज का जूस मिलाना है। ऑरेंज का जूस हो सकता है थोड़ा खट्टा हो, इसलिए मैंने इसमें 4 डाला है। और दोनों में मैंने 3-3 डाला है, जिससे मैंने मैदा लिया था उसी टेबल स्पून से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। और अब देखिए मैंने इस छोटे क्वार्टर वाले स्पून से क्वार्टर स्पून मैंने तीनों में बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग पाउडर डाला है। और मैं एक एक चुटकी तीनों में बेकिंग सोडा डालूँगी। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और एक एक चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला है, खाने वाला सोडा। एक एक चुटकी ही डालिएगा, फिर से मैं बता दे रही हूँ। और अब मैं तीनों में जिस चम्मच से हमने मेजरमेंट लिया था टेबल स्पून से, उसी से मैं तीनों में एक एक टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। और अब मैं बड़े वाले कप में थोड़ा सा मिलाने के बाद मैं इसमें ऑरेंज के जूस को गाड़ दूँगी। ऑरेंज के जूस में गाड़ने से पहले आप प्लीज़ सीड हटा दीजिएगा। मेरे में 1-2 सीड चले गए थे, जिसे मैंने बाद में निकाल दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए अगर पसंद आए तो। और साथ में बेल भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब मैं फोर्क के मदद से अपने इस ऑरेंज कपकेक को अच्छी तरह से मिला दूँगी। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद ज़्यादा बस हमें पेटना नहीं है, बस इसे हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। और अब मैं इसमें मिलाने के बाद ऑरेंज एसेंस डालूँगी। ऑरेंज इस एसेंस मैंने 3-4 बूंदें डाली है, ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये कड़वी हो जाएंगी। और उसके बाद मैं इसमें ऑरेंज कलर मिला दूँगी। और ऑरेंज कलर मिलाने के बाद सबसे पहले मैं इस बड़े वाले कपकेक को 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। और 1.5 मिनट के बाद मैं तुरंत उसे नहीं निकालूंगी, लगभग 20 सेकेंड में इसे स्टैंडिंग टाइम दूंगी। 20 सेकेंड के बाद ही मैं निकालूंगी। स्टैंडिंग टाइम अवश्य दीजिएगा, नहीं तो केक बीच से पचक जाएंगे, ऐसे केक एकदम फूले फूले रहेंगे। और अब देखिए मैंने उसे रख दिया है। और अब मैं इन बाकी दोनों कप केक के मिश्रण को फेंट दूँगी। एक में मैं केवल वनीला का फ्लेवर दूँगी और एक में मैं वनीला और कोको पाउडर दोनों ही डालूँगी। दोनों को मैंने फेंट दिया था, सभी चीज़ें तो हमने डाल दी हैं इसमें, केवल थोड़ी थोड़ी दूध डालनी है इसे थोड़ा सा फेंटने के लिए। हमें इसमें अंदाज से थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है, स्पून से नाप नाप के ही डालिएगा। लगभग 2-2 टीस्पून टेबल स्पून इसमें दूध पड़े थे, ज़्यादा मत डालिएगा वरना बहुत पतली हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, क्योंकि हमने इसमें शुगर डाला है, शुगर पिघलेंगे। और अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून कोको पाउडर मिला दिया है और थोड़ा सा मैं दोनों में वनीला एसेंस भी मिलाऊँगी। कोको पाउडर के साथ भी वनीला एसेंस अवश्य डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैंने दोनों में वनीला एसेंस मिला दिया है और इस तरह से सबों को मैं मिला लूँगी। और मिला के ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं चोको चिप डाल दूँगी। और चोको चिप डालने के बाद तब तक हमारे ऑरेंज कपकेक हो जाएंगे। फिर मैं ऑरेंज कपकेक को निकाल लूँगी और इन दोनों को मैं डाल दूँगी। बस 1.5 मिनट में हमारे कपकेक बिल्कुल देखिए तैयार हो गए, कितने टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने बच्चों के लिए अवश्य बनाइएगा इस कपकेक को। 1.5 मिनट में बनते हैं और एकदम गर्मा गर्म आप बच्चों को सर्व कीजिए। साथ में आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी ठंडे करने के बाद फेटी हुई क्रीम डालिए, या आइसक्रीम डाल के खाइए, या ऊपर से चॉकलेट सॉस डाल के खाइए। आपके बच्चों को और आपको शाम के चाय के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और इसके साथ ही मैंने एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक भी सर्व की है, उसे भी आप लोग ज़रूर बनाइएगा, वो भी बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग है, पी के एकदम मज़ा आ जाने वाला है। तो इन दोनों हेल्दी डिशों को आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को ये दोनों
रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद मैं ड्रिंक वाली रेसिपी भी डाल रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके भी अवश्य बतलाइएगा कि आप लोगों को ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। अब हमारी दूसरी रेसिपी एक ड्रिंक की है, जिसे भी हमने 1.5 मिनट में बनाया था। सबसे पहले हमें 15 से 20 पुदीने के पत्ते को ले लेना है। पुदीना आप लोग जानते हैं कितने फ़ायदेमंद है। और अब मैंने इसमें 3 आइस क्यूब, 3 या 4 आप आइस क्यूब डाल दीजिए। साथ ही में मैंने इसमें 6 टीस्पून चीनी डाला है, वैसे आप 3 टेबल स्पून से डाल रहे हैं तो 3 ही डालिएगा। और मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट डाला है। और डाल देने के बाद मैंने इसमें 2 लाइम के जूस को निचोड़ दिया था। आप नींबू के जूस को भी अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये ड्रिंक है। पुदीना, ब्लैक सॉल्ट, चीनी और सॉल्ट सारे कुछ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर बनाइए। अगर आप लोग इसमें चीनी नहीं डालने चाहते हैं तो इसमें हनी डाल दीजिए, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और अब हमें सभी चीज़ों को मिलाकर थोड़ी देर के लिए क्रश कर लेना है। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से हो गए हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा और बर्फ़ डाला है और बर्फ़ डाल के मैंने चला दिया। और अब ये बिल्कुल भी जम जाएंगे। आप चाहें तो इसे यूं ही किसी बच्चों को छोटे छोटे ग्लास में करके सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और चटपटे लगेंगे। लेकिन मैं इसे गिलास में डालकर सर्व करूँगी एज ए ड्रिंक। तो मैंने अपने इस मोहितो को गिलास पहले बर्फ़ डाला है गिलास में, और गिलास में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अगर आपके पास सोडा वाटर है तो सोडा वाटर भी डाल सकते हैं, अन्यथा प्लेन वाटर भी चलेगा। और उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो अपने सलस को बनाया था उसे डाल दिया है, और ऊपर से पुदीना के पत्ते और लेमन ग्राइंड से आप सजाकर सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक तैयार है। लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बतलाइएगा। एक तो हमारी बहुत ही हेल्दी ड्रिंक और रिफ्रेशिंग भी है, बहुत ही हेल्दी भी। इस ड्रिंक को आप लोग अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा ये। साथ में 1.5 मिनट में बनने वाले ये मज़ेदार केक भी उन्हें पसंद आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।